जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर लेक्चर अबाउट फंक्शन एवोल्यूशन ऑफ अ लिमिट एंड सिमिलरली द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम्स वी सॉल्व 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी इज इक्वल टू e एंड सिमिलरली x अप्रोचेस टू 0 दिस वन इज द डिडक्शन ऑफ दिस थ्योरम इज इक्वल टू e एंड e इज 2.71 स्टैंडर्ड वैल्यू। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपने इसका प्रूफ देखा था कि 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर n बराबर e की होता है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसका सॉल्यूशन लिया था। आज हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ये सेकंड पार्ट होगा 1 प्लस 1 बाय n और n बाय 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ E, इसको E की फॉर्म में लिखना है। ये जितने भी आज क्वेश्चंस होंगे E की टर्म्स में लेकर आएंगे। E के आपके पास जो है वो दो फार्मूले, इन फार्मूलेज में एक में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है जबकि एक में लिमिट x आपके पास जो है वो अप्रोचेस टू जीरो। तो जो लिमिट आपके पास यहाँ इंप्लीमेंट हो रही है वो x अप्रोचेस टू जीरो और सिमिलरली एक लिमिट आपके पास है n अप्रोचेस टू आपके पास n x अप्रोचेस टू जीरो। इन दोनों में इसकी एक ही वैल्यू है जो कि e है और e इज इक्वल टू 2.71। अब यहाँ इसकी एवोल्यूशन इस तरह होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n, n बाई 2 है, आप यहाँ वैल्यू n लेंगे, होल पावर इसकी कर देंगे 1 बाई 2। देखें ये n बाई 2 था, n बाई n इंटू 1 बाई 2 n बाई 2 होगा, तो यहाँ आपके पास आंसर जो है e रेज टू पावर 1 बाई 2। यही आपके पास एक और इसमें क्वेश्चन है 1 प्लस 4 बाई n रेज टू पावर n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ आप देखिए इधर आपके पास 4 बाई n है, इधर n है, तो आपने इसको e की फॉर्म में लेकर आना है। तो e की फॉर्म में लाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ 1 4 बाई n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सिमिलरली यहाँ वैल्यू आपके पास n है, आप इसको 4 से जरा 4 से डिवाइड कर दें पावर को, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 बाई n रेज टू पावर आपके पास हो जाएगा यहाँ n बाई 4 और होल रेज टू पावर हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई होकर वही 4 हो जाएगा जो जिसे हमने डिवाइड और इसे मल्टीप्लाई किया। अब ये जो वैल्यू आपके पास है ये e है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के, वो इस तरह कि अगर यहाँ पर 4 बाई n है इधर n बाई 4, ये साइन विद रिस्पेक्ट टू साइन अलामत उसकी और उसके अलावा कॉन्स्टेंट नंबर से ये इसका रेसिप्रोकल हो। अगर इधर 4 बाई n है इधर n बाई 4 होगा, अगर इधर माइनस 4 बाई n है इधर माइनस n बाई 4 होगा। अब यहाँ क्या है 1 बाई n है इधर n है, तो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है, एक्स है 1 बाई x है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये साइन वाइज इसे इन टर्मिनोलॉजीज इसकी यूज होंगी। तो हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला यूज होता है बहुत ज़्यादा, एक्स ओवर 1 ओवर एक्स, इसे एग्जामिनेशन में बहुत यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देखें फॉर्म नहीं बन सकते क्योंकि एक्स बाई 1 बाई एक्स है, लेकिन अगर मैं इसकी टर्म को जो है वो रेसिप्रोकल लेता हूँ तो जहाँ आपके पास पॉजिटिव है वो माइनस एक्स हो जाएगा, यही वैल्यू आपके पास 1 बाई एक्स देन एक्स बाई एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वैल्यू आपके पास एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगी और यही वैल्यू आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, फिर यही वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x एंड होल रेज टू पावर मंथली 1। ये पावर आपने जो इसकी पॉजिटिव थी रेसिप्रोकल लेने से ये नेगेटिव टर्म होगी, जैसे ये नेगेटिव फॉर्म में जाती है पावर नेगेटिव फॉर्म में जाती है तो इसका मतलब है ये x जो रेसिप्रोकल फॉर्म में है इन दोनों के बटा में अलग अलग आएगा, तो यहाँ 1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स ले, अब रेज टू पावर क्या है मंथली 1 है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये सारी वैल्यू आपके पास क्या होगी e विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 1। तो e जो है आपके पास नेगेटिव 1 फॉर पावर नेगेटिव 1, ये इसका आंसर होगा।
आंसर आपके पास ई की फॉर्म में ही आना चाहिए इन टर्म ऑफ ई। यही आपके पास और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसी में ई वन बाई एक्स है, मनफी वन है, ई वन बाई एक्स है, प्लस वन है, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ एक वैल्यू क्लियर हो रही है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो पॉजिटिव आंसर। ये दो इस तरह के सवाल हैं, एक में एक्स लेस देन जीरो है, एक में एक्स ग्रेटर देन जीरो है। जिधर एक्स लेस देन जीरो है वहां आप नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर भी नेगेटिव में आता है, और जिस जगह पे आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है वहां आप इसे डिवाइड कर देते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडिंग बाय ई वन बाय एक्स इस इक्वेशन, तो ई वन बाय एक्स मनफी वन, ई वन बाय एक्स 1 by x divided by 1 by x limit x approaches to 0, ये फॉर्म आपके पास हो जाएगी यहाँ पर। e 1 by x over e 1 by x minus 1 over e 1 by x, ठीक है जी। और इसी तरह ये हो जाएगा इसके बटा में e 1 by x over e 1 by x, और यही वैल्यू आपके पास प्लस 1 over e 1 by x हो जाएगी, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 मंथली 1 ओवर e रेस टू पावर 1 by x हो जाएगा, ठीक है जी। 1 by x हो जाएगा बेटे, x अप्रोचेस टू 0, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस e 1 by x हो जाएगा। हियर आंसर 1 मंथली 1 ओवर e रेस टू पावर 1 ओवर 0, 1 प्लस 1 ओवर e रेस टू पावर 1 ओवर 0, यहाँ होगा 1 मंथली 1 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो आपके पास इधर आंसर होगा 1 मंथली 0 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये पॉजिटिव है। अब चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए आपके पास जो इसका आंसर होगा वो भी ग्रेटर देन 0 फॉर्म में होगा। आप इसका जितनी भी फॉर्म्स में e फॉर्म में क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपके पास इसका जो सॉल्यूशंस है, इन तमाम वैल्यूज के जो सॉल्यूशंस है वो आपके पास सिंप्लीफिकेशन, डिवीजन और पावर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। यहाँ आपने पावर्स इंटरचेंज की है तो ये ई की फॉर्म में आंसर आया। तो इस तरह जितने क्वेश्चंस होंगे इन्हें आप कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, देन गिव्स सेम रिजल्ट। अब यही क्वेश्चन आपके पास यहाँ चेंज होकर इस तरह आ सकता है कि आप वैल्यू जो है वो सेम ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स, e raised to power 1 by x, where x less than 0, और limit x approaches to 0. अब यहाँ first of all आप put करते हैं, put x is equal to minus 1. अब देखिए, if x approaches to 0, then limit change y is tends to 0. Negative y अगर मैं यहाँ tends to 0 लिखूँगा, तो minus 1 0 पे approach नहीं करेगा, बल्कि y approaches to 0. यहाँ e रेस टू पावर 1 ओवर y होगा, और सिमिलरली 1 ओवर y प्लस 1 होगा, और लिमिट y अप्रोचेस टू 0। जिस तरह का फंक्शन, अगर x है तो x में लिमिट आएगी, अगर y है तो y में लिमिट होगी। अब यहाँ 1 ओवर y, सिमिलरली 1 ओवर y, और लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास 1 ओवर 0, 1 ओवर 0, आपके पास यहाँ जो आंसर है वो होगा 1 ओवर मनफी 1, लिमिट इंप्लीमेंट, लिमिट आप y अप्रोचेस टू 0, और सिमिलरली लिमिट आप क्वेश्चन रूल y अप्रोचेस टू। अब e 1 बाई इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी यहाँ आता है 1 ओवर इन्फिनिटी मनफी 1, 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, That is 0 मंथली 1, 0 प्लस 1, तो यहाँ आंसर माइनस 1। अब ये नेगेटिव 1 आंसर लेकर आ रहा है, जबकि यही आंसर आपके पास यहाँ पॉजिटिव 1 में आ रहा है। आप यहाँ इसका आंसर देखेंगे पॉजिटिव 1 में आ रहा है, और जबकि इधर आपके पास इसका आंसर है वो आपके पास नेगेटिव 1 में आ रहा है। वो रीजन ये है कि वेयर x लेस देन 0, इसका मतलब है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो लिमिट नेगेटिव पोर्शन पे है। जब हम इसकी कन्वर्जन करते हैं लिमिट की, तो लिमिट जो है वो यहाँ चेंज हो जाती है, x अप्रोचेस टू 0 हो जाता है, सिमिलरली y अप्रोचेस टू
जीरो होता है। ये जो आपका बेसिक लेक्चर था, ये 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर इसका 4 लास्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप ये जरा क्लियर कीजिए कि आपकी ये 1.3 एक्सरसाइज है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसकी अटेम्प्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने फॉर्म्स हैं इन पे लिमिट की इम्प्लीमेंटेशन और ये इन टर्म ऑफ ई ही इसको हल किया जाए। अब देखिएगा बेटे, आपके पास एक फंक्शन जो है लिमिट पे जब इसे डिफाइन किया जाए, किसी भी फंक्शन पे डिफाइन किया जाए, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर मल्टी वन एक्स प्लस वन और लिमिट लिखा जाएगा एक्स अप्रोचेस टू वन। और यहां एक चीज मेंशन होगी, नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, यहां नॉट इक्वल टू वन। रीजन क्या है कि अगर मैं यहां डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट करता हूं तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर 0/0 आता है, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आपने यहां हल करना होगा, और उसके लिए आप सबसे पहले ये देखेंगे, इसकी टेक्निक भी होगी कि आप इसे x प्लस वन एक्स नपी वन एक्स नपी वन और लिमिट x अप्रोचेस टू वन, यहाँ नॉट इक्वल टू वन है, लिमिट डिफाइन वन पे नहीं है, क्योंकि वाकई नहीं है। अगर आप वैसे डायरेक्ट देखते हैं वन पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आंसर 0/0 आता है। इसका मतलब है यहाँ आपके पास ये दोनों वैल्यू कैंसिल होके x प्लस वन एंड लिमिट x अप्रोचेस टू वन x लिमिट x approaches to 1 and limit x approaches to 1 plus 1 is equal to 2, ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब है अब यहाँ जो लिमिट डिफाइन की गई है ये लिमिट सॉल्व है, तो इसका जो सोल्यूशन है आप जब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिक्वायर्ड इसका आंसर आता है। तो ये जो फॉर्म है ये फंक्शन की जो है डिपेंड करती है उसकी कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह हमारे पास लास्ट टाइम हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड कंटिन्यूस ये फॉर्म इसकी चेक करेंगे। लास्ट टाइम आपने इसमें फॉर्म जो देखी थी वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी, नाउ फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वो जो फंक्शन डिफाइन होता है उस डिफाइन के ऊपर फंक्शन की ये फॉर्म बताई जाती है कि वेदर इट इज अ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। इफ ए फंक्शन कंटिन्यूस देन इट्स गिव्स अ स्पेसिफिक आंसर, एंड इफ डिसकंटिन्यू देन ब्रेक डाउन द ग्राफ। जो उसका गिवन ग्राफ दिया गया है वो ड्यूरिंग स्केच ड्यूरिंग मेकिंग ग्राफ उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। लिहाजा फंक्शन डिफाइन होता है अगर वो मुकम्मल तौर पे लिमिट और उसकी डिफाइन वैल्यू पे एग्जिस्ट हो जाता है। इफ ए गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूज एनी वन कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर बराबर नहीं होती, जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होती, तो इसका मतलब है कि फंक्शन वहाँ डिसकंटिन्यू हो जाता है। और अगर फंक्शन को हम डिफाइन करें और वो लिमिट एग्जिस्ट करवाने से फंक्शन की दो वैल्यू हैं या तीन वैल्यू हैं, तीनों पे ही वो डिफाइन ना हो, देन इट इज अ डिसकंटिन्यू। लिहाजा आपका जो इसका बेसिक आज क्वेश्चन है डिफाइन होगा वो फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे ही होगा। हमारे पास एक फंक्शन है, जरा चेक कीजिएगा, इसकी वैल्यू आपके पास एक ही वक्त में बराबर होगी एक्स स्क्वायर माइनस वन, सिमिलरली आपके पास ये जीरो जो कि फंक्शन डिफाइन किया गया है, और यही वैल्यू, ये वैल्यू फंक्शन की आपके पास एक्स प्लस वन, और यहाँ फंक्शन डिफाइन होता है एट एक्स इज इक्वल टू वन। अब देखें यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन की गई है वो आपके पास लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन है। जब आप एक्स इज इक्वल टू वन वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन एक ही वक्त में तीनों के बराबर है। अब अगर ये तीनों के बराबर है तो ये देखा ये जाता है कि फंक्शन तीनों पे किस तरह अपनी लिमिट को एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ वैल्यू आप इसकी लेस देन देखें और इधर वैल्यू आप ग्रेटर देन देखें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन आपके पास नेगेटिव पोर्शन पे और ये फंक्शन आपके पास पॉजिटिव फंक्शन पे पॉजिटिव साइड पे रियल लाइन। लिहाजा यहाँ एट एक्स इज इक्वल टू वन है, इट मीन अगर मैं नेगेटिव साइड पे लेता हूँ तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर पॉजिटिव साइड पे लेता हूँ तो राइट हैंड लिमिट। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो, आप लिमिट लेंगे एक्स अप्रोचेस टू वन लेंगे जिस पे डिफाइन है ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है उसका पोर्शन नॉट अ साइन,
इसको कुछ बुक्स में आप वन मंथ की जीरो भी लिखते हैं और इसको आप वन नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिमिट आप देखेंगे किस पे वैल्यू इसकी नेगेटिव है, लेस है, एक्स लेस देन वन पे, तो यहाँ फंक्शन होगा एक्स केयर वन पे। इसी तरह यहाँ होगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x ग्रेटर, ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और x प्लस 1। तो यहां आपके पास 1 मंथली 1 इज इक्वल टू 0, यहां आपके पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये दो आंसर होंगे। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, अगर आप ये चेक करें नॉट इक्वल 0 एंड 2। लिहाजा यहां फंक्शन किसी सूरत में भी आपके पास कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आपके पास लिमिट की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिपेंड करती है उसकी लिमिट एग्जिस्टेंस पे, उसकी दी हुई वैल्यू पे। अगर वो लेफ्ट पोर्शन पे रिप्रेजेंट करता है वो लेफ्ट हैंड है, अगर राइट पोर्शन पे रिप्रेजेंट करता है वो राइट हैंड लिमिट है और पॉजिटिव। ये आपका ब्रीफली लेक्चर था अबाउट दी कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन ऑन इन सेकेंड ईयर लेक्चर। तो आपका जो 1.3 एक्सरसाइज है इसमें आपको लिमिट को एवेल्युएट करना, उसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म, देन इन टर्म ऑफ ई लिखना, सैंडविच थ्योरम, ये आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। अब आपके पास 1.4 जो एक्सरसाइज है वो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो मैं इसी से ही लेक्चर आपका नेक्स्ट आगे प्रोसीड करूँगा। आपकी असाइनमेंट होगी, आप जो है घर से जितने भी स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर्स को अटैम्प्ट कर रहे हैं आप घर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी सैंडविच थ्योरम की और उसके प्रूफ। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं इसका आपको जो है वो प्रैक्टिकली उसकी सर्कुलर फॉर्म में मैं आपको गाइडलाइन दूंगा सैंडविच थ्योरम की। तो अभी आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं आप उन लेक्चर्स को कंबाइन करके आप जो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आप मुझे फीडबैक करें ताकि मैं आपको उसका प्रॉपर वे में हार्ड कॉपी की सूरत में या सॉफ्ट कॉपी की सूरत में आंसर दे सकूँ। Thank you very much.